हेलो। ओ भाई साहब, भैया नमस्कार। ये बताओ, आपकी भैंस है, मैं एक शहर से आ करके गांव में लोगों के लिए रोजगार देता हूँ। खेती खरीदी, धान रोपाई किया, उसमें सोचता हूँ कुछ पैदा हो जाएगा। तुम पूरी भैंसों से चरा लिए, ये क्या बात हुई? कहाँ गए किसी? अरे भैया, ये तो भैंस शहर की मेहरारू बराबर भैंस है गांव की री। जैसे लोग गांव को कहते, शहर के लोग कहते हैं कि मेहरारू नहीं सुनती, वैसे गांव की भैंसे नहीं सुनती। हाटा हट किया करते हैं लेकिन वो सुनती ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप दूसरे की फसल चला लेते। आपका कहाँ गांव पड़ता है? बस यही पड़ोस में गांव पड़ता है हमारा। आपके सरपंच से मुलाकात कराइए मेरी। चलिए भैया, मुलाकात कराते हैं सरपंच से। अब जब चाहे आप चरा लेते, नुकसान करा देते हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या? देखते हैं, आपके सरपंच से आप बात कर ही लेते हैं। हम बहुत देर से हो गया। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई साहब, ये बताइए, आपके एरिया में गांव में हम लोग आ करके शहर से आकर के जमीन खरीदी थी, और जमीन खरीदने के बाद उसमें धान रोपाई किए, कितना पैसा लगा, और उसके बाद इनकी भैंसें चरा ली। अरे मैं तो ये कहता हूँ, हमारे गांव में जो हमारे शहर में जो कुत्ते पालते हैं ना, कंकी, डिटॉल, हर चीज से उसकी सफाई करते हैं, उसको जो बताते हैं वही खाता पीता है। सलाद दे दो, आप खाना दे दो, मीट दे दो, मछली दे दो, सब चीज खा लेती। इतना है, जहाँ भी बताओ बैठो तो वहीं बैठ जाता है। और ये आप कितने साल से भैंसे पाले हैं? अरे भैंस तो हम बचपन से पाले भैया, हमारे पुरखों से भैंस पालना की आदत है। अगर पुरखों से है तो आप इतनी दिन से क्यों नहीं भैंसों को सुना पाए? आप कोई अच्छा आप इनको एक अच्छा सा दिन देख करके इनसे बोल दो, अपनी भैंसों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा ले। कितने नए नए स्कूल खुल गए हैं, इंग्लिश मीडियम में करा ले, जो अच्छी पढ़ाई होती है सिखा देंगे तौर तरीके। ये क्या रखा है हमारे यहाँ? एक आदमी, एक कुत्ते के पीछे 50 लोग लग जाते हैं। और वैसे हमारे गांव शहर में जो है, हमारे शहर में लोगों के पास समय होता कुत्ता घुमाने का, ये लोग उसका दूध खाते भैंस, क्योंकि वो इतनी तमीज़ नहीं है कि उसका टाइम से इंजेक्शन दिलाएं, टाइम से खाना पानी दिलाएं तो वो समझदार बन जाए। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ने के बावजूद भी ये लोग गाँव वाले गाँव में रह गए, किसी का भी खेत चरा लेंगे। मतलब सरकार अपनी बात की है, अब इनसे पूछ ही लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों करते हो? अरे भैया, शहर की औरत और गांव की भैंस बराबर समझो। इसका मतलब हमारी शहर की औरतें और तुम्हारी गांव की भैंस एक तुलना हो गई। अब शहर की औरतों को लोग कहा करते हैं, वो अपने मन का किया करती, वैसे गांव की जो भैंसे हैं हम पीछे से लाठी लिए हट हट किया करते, लेकिन वो चरना मानती ही नहीं। मतलब है, उसको संभालो संभालो भैंस को संभालो, ऐसे छुट्टा छोड़ दोगे, किसी के धान खा जाएगी, किसी के गेहूं खा जाएगी। इन्होंने बम्बई से आए हुए हैं, यहाँ पर जमीन खरीदे, इन्होंने यहाँ पर खेती किया कुछ फायदे के लिए, तुम लोगों को भी रोजगार वहाँ मिलेगा, तो तुम लोग इन्हीं के खेत का, इन्हीं का नुकसान करोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे उनको खेतते रहते हैं लेकिन वो मानती नहीं अपने आगे। सरपंच जी, एक बात मेरी सुनिए, ये मेरी आंखें यहाँ बेइज्जती की, मेरे क्या मेरे शहर की कर दिए पूरी? ऐसा क्यों कर रहे हो? ये गांव के मेहमान हैं, शहर से आए हुए हैं, तुम लोगों को विकास के लिए यहाँ पर खेती करेंगे और चीज़ें बनाएंगे तो तुम लोगों को नौकरी मिलेगी उसमें। अरे हम मेहमान कितना माने थे, हम इनको बड़ी बढ़िया कुर्सी बैठने के दिए थे भैया, इन्होंने कहा कि हम कुर्सी बैठते नहीं हैं। अरे खेत चर जाने के बाद कोई कुर्सी पर भला कैसे बैठेगा? अभी इनकी नुकसान करोगे तो कुर्सी पर बैठेंगे। और दूसरी बात, मैं महिला आयोग में जाकर के इनके खिलाफ केस ठुकवाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं कीजिएगा। अरे भाई साहब, इन्होंने क्या किया? गांव की और मतलब गांव की भैंस और शहर की औरत बराबर दीदम उठा के चल देते हैं। नहीं, अरे गांव के लोग क्या बोल देंगे, मुंह से क्या निकाल देंगे, इन लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, ये लोग अनाड़ी है, इन लोग की बातें समझा कीजिए। अरे समझा क्या मतलब, हमारे गाँव की जितनी औरतें हैं भैंस हो गई, जिधर भी चाहे चल देंगे। ठीक है, ये लोग नहीं समझते हैं कि भैंस को हम औरत बोलेंगे तो क्या कोई किसी के प्रभाव पड़ेगा, ये लोग नहीं समझते हैं, ये लोग अनाड़ी है, गांव का अंगूठा छाप है, इसके लिए इन लोगों को बातों को बुरा मत मानिए। देखिए कैसे अकड़ के खड़ा है, नुकसान कराने के बाद भैया नहीं सुनेंगे। ठीक है भाई, क्यों क्यों ऐसे अकड़ कर खड़े हो? देखो, अगर गलती किए हो तो इनसे माफ़ी मांग लो कि हमसे गलती हो गई, हम अपने भैंसों को ले आ रहे हैं, एडमिशन करा देंगे, जाओ किसी अच्छे स्कूल देखो और वहाँ जा करके भैंसों को एडमिशन कराओ, और उन लोग का जो भी फीस लगेगा अगर तुम्हारे पास नहीं हुआ तो हमसे मांगना, मैं दे दूंगा। हम भैया स्कूल गए थे लखनऊ पब्लिक में, तो लखनऊ पब्लिक जब एडमिशन कराने के लिए गए तो मैनेजर कहने लगा इसका सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, इसका आधार कार्ड बनवा के लाओ। जब वहाँ आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुँचे तो कहते हैं कि भैया भैंसों का एडमिशन अभी हो नहीं पाएगा, अभी तो हड़ताल लगी है। एक काम करो,
भैंसों का आधार कार्ड बनाना है तो मेरे पास आ जाना, मैं चलूंगा ऑफिस में ठीक, और वहाँ बनवा दूंगा भैंसों का आधार कार्ड। लेकिन भैंसों को एडमिशन कराओ पढ़ने के लिए, तुम लोग तो अनाड़ी हो, भैंसों को भी अनाड़ी बना रहे हो, नहीं समझ में आता है। तुम लोगों को पढ़ाओ कि भैंस भी पढ़ करके चश्मा लगाओ उन लोगों को, मॉडर्न। लेकिन जब पढ़ा मॉडर्न बनाइए उनको, आज के जमाने के मॉडर्न बना दी। लेकिन मॉडर्न बनाने क्या करते हैं, हमारा भैंसा भैया बहुत खराब है, उसको जब खोलते साथ में तो पीछे पीछे लगा रहता है। अरे भैंसा बीच में कहाँ आ गया, भैंस के बीच में पीछे पीछे तो लगेगा ही। अब वो चरने नहीं थे उसको एडमिशन कराए कि, तो भैंसा के भी एडमिशन करवाए दूसरे स्कूल में। ये बात है, अलग अलग एडमिशन कराओ। ठीक इसको समझा दो, ये भैंसा भैंस क्या लड़के लड़के एक स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वैसे भी इसकी भैंस और भैंसा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और सरकार तो इतनी सुविधा दे रखी, कॉपी पेन सब फ्री, खाना फ्री मिलता है, फिर भी मेरा खेत क्यों चल रहा है? करवा देंगे, दोपहर का खाना मिलेगा भैंस को, शाम को भी खाना मिल जाएगा, तो और भी अच्छा है ना। कपड़ा भी मिलेंगे, कपड़ा भी मिलेगा। अरे तो फिर गुड रहेगा, ड्रेस में आज के बाद मिलना चाहिए। अब मेरा नुकसान कौन भरेगा, मैं भी चलता हूँ, मुझे लेट हो गया। ऐसी बात है, देखिए ये लोग गरीब आदमी हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, अब तो बेचारा है नुकसान करा दिया, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि माफ़ी तो मांग चुका है ना, इसको छोड़ दीजिए, आप दूसरा धान फिर लगा लीजिए वहाँ पर, क्योंकि आप पैसे वाले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेचारा गरीब क्या करेगा, कहाँ से आपको उसका भर पाना कर पाएगा। इसके लिए इसको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और देखो आज के बाद इनके खेत में भैंस नहीं जाने चाहिए। ठीक, उसको पढ़ाओ लिखाओ और योग्य बनाओ उसको। ठीक समझ गया ना, माफ़ी मांग ले मुझसे, कह दो चलिए नहीं तो माफ़ी मांग लो शहर के आदमी, माफ़ी मांग लो इनसे। अरे तुम ये क्या कर रहे हो यार, अरे माफ़ी मांग रहे भैया, अरे ढंग से माफ़ी मांगो, उल्टा क्यों माफ़ी मांग रहे, शहर के आदमी मान रहा हूँ, देहात के आदमी तुमको माफ़ी नहीं मांगना आता है, लेकिन उनको थोड़ा पैर पकड़ लो। नो 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 नो।